हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के हमारे वीकली टॉप ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द वीक वाले वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे आप जान रहे हैं कि मार्केट में अभी थोड़ा बहुत करेक्शन चल रहा है, तो उस करेक्शन में बहुत अच्छे स्टॉक अपने बहुत अच्छे लेवल पर आ गए। उनमें से एक है आईसीआईसीआई बैंक। बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन करके यहाँ से निकला था और अभी ये जिस तरह दिखा रहा है, ये दिखा रहा है करेक्टिंग पैटर्न, यानी कि ये नीचे नहीं आएगा, ये करेक्शन दिखा रहा है अपने इंपल्स का, यानी कि ऊपर जाने का करेक्शन दिखा रहा है। तो ये जिस तरह देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आ गया है कि यहाँ पे सपोर्ट की जगह पे अगर ये वाला हाई कट जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए 895, इसके ऊपर जैसे ही निकलता है आप इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ तक तो डेफिनेटली आएगा, 960 तक तो डेफिनेटली आएगा, और यहाँ पे रखना आपको 885 का SL, यानी कि 10 रुपये के SL में आपको आने के लिए तकरीबन 65 रुपये हैं, जो 1.65 का आपका रिस्क रिवॉर्ड देता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड उसमें बनता है, तो इसमें आप डेफिनेट ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट और हमारा ABB, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेने की, याद कीजिए एक दो वीक पहले हमारा वीडियो में हमने बात करी थी जब मार्केट खड़ा हुआ था कि ये मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था और ये भाई साहब ऊपर जा रहे थे क्योंकि आउट परफॉर्म कर रहे थे। तब हमारी बात हुई थी कि अब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे थे वो अंडर परफॉर्म करेंगे। यहाँ का भी बात हुई थी कि इसको बाय नहीं करना, ये नीचे आ जाएगा। देखिए आप, मार्केट ऊपर जा रही है, धड़ाम से नीचे आ रहा है और नीचे थोड़ा बहुत आएगा, तकरीबन ये लेवल तक आ सकता है 3000 तक। वहाँ पर अगर आपको एंट्री करने तो बन सकती है, लेकिन आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए है कि जब भी मार्केट नीचे आ रही है और कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा हो तो मार्केट ऊपर जाने पे वो करेक्शन स्टार्ट कर देता है। ये रूल है, आपको थोड़ा लर्निंग के लिए याद रखना है। उसके बाद है IDFC फर्स्ट बैंक। उसमें आप डेली चार्ट देखेंगे, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। किसी ना किसी दिन मुझे लगता है बड़ा गैप अप खोल के अच्छा खासा निकाल देगा। सेम चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा टाटा मोटर्स के अंदर, जहाँ पे वो ब्रेकआउट ऐसे गैप के साथ आया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे देखेंगे अगर इसके ऊपर क्लोज देता है 57.85 के ऊपर, आप इसको डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ तक का आप लगा दीजिएगा टारगेट, 64 तो मिनिमम जाएगा। मिनिमम बात कर रहा हूँ, आपका ऐसे होगा यहाँ पे, यानी कि 56 का SL होगा, यानी कि मेयरली 2 रुपये आपका SL होगा और आने के लिए आपके पास 6 से 7 रुपये मिनिमम होंगे। तो इसको डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं, उसको आप लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद टाटा मोटर। टाटा मोटर में आप चीज़ देखेंगे सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में था, बहुत ही बढ़िया सा। इसमें आपको एक और चीज़ लर्निंग करवाता हूँ। देखिए टाटा मोटर में क्या हुआ था, ये देखिए, ये जो दिखा था कितना बढ़िया मूव चला था, और ये आखिर के 2-3 कैंडल देखिए यहाँ हुए कितने बड़े थे, और वो 2-3 कैंडल के अंदर ही पूरा करेक्शन आया है। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 2-3 कैंडल है ये वाली, उसी के अंदर पूरा करेक्शन आया। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टाइम वाइज करेक्शन। ये आपको दिखता है अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, कि ये बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और ये स्ट्रेंथ टाइम वाइज करेक्शन खत्म करके अभी निकली है बाहर। देखिए बढ़िया सा ब्रेकआउट गैप करके निकली है, देखिए मस्त गैप देके निकली है। तो इसको आप अगर कहीं पे आपको यहीं कहीं मिलता है, थोड़ा और नीचे मिलता है, डेफिनेटली आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ का ये गैप का SL लगा दीजिएगा 440 का, इसको राइड कीजिए 600 तक तो मिनिमम जाएगा इस पैटर्न के हिसाब से, 600-700 तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसको डेफिनेटली ट्रेड किया जाता है, ये स्पीड में आएगा, ये टारगेट बहुत स्पीड में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे CUB, सिटी यूनियन बैंक क्या कर रहा है सर, ये चीज़ देखिए, कंटिन्यूसली वो रेंज में है, नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, सेम अभी नीचे के आसपास खड़ा होता है, डेफिनेटली इसमें ट्रेड बनता है। लेकिन यहाँ नहीं बनाना है, आने को नीचे आ सकता है, यहाँ पे 1110 पे बनाना है, या फिर अगर इसको यहाँ से निकालना है तो इसके ऊपर जाने पे बनाना है, यानी कि 145 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर यहाँ से 145 काट देते तो बना सकते हैं, टारगेट फिर आप यहाँ का रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ का रखेंगे 180, यहाँ पे आपके लिए 45 रुपये है। लेकिन अगर नीचे आता है 110 के पास तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, फिर आप टारगेट रख सकते हैं यहाँ तक का 200 का, यानी कि आपको ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा ये स्टॉक। तो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, जिस कैंडल की आप एंट्री कर रहे हैं उसके प्रीवियस कैंडल का लो जो होगा वो बन जाएगा आपका SL। एक बार और सुन लेगा, कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो। इसके बाद आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका प्रॉपर प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन इस टाइम फ्रेम के हिसाब से हो चुका है। यहाँ से निकालता है तो अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिल सकता है। 104 के ऊपर जैसे क्लोज करता है आप इसको एंट्री कर सकते हैं। यहाँ का लगा दीजिएगा 100 रुपये का SL, 4 रुपये का आपका SL रहेगा और आने के लिए आपके पास तकरीबन 16 रुपये, यानी कि बहुत ही बड़ी आपके लिए 1.4 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। इसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एबॉट इंडिया, बहुत टाइम के बाद इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर करेक्शन में था, अब यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है तो ये देखिए निकलने की स्टाइल बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पे इसने क्या किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट तो करता है तभी वो ऊपर अच्छा खासा जा पाएगा, तो रीटेस्टमेंट प्रॉपर हुआ है। अभी यहाँ से नीचे आ जाएगा ऊपर जाएगा, उसके हमको कन्फर्मेशन कैसे होगी, अगर ये वाला हाई जो कल रीटेस्ट करने आया था उसका हाई काट देगा तो आपको डेफिनेटली इसमें एंट्री करनी है, डेफिनेटली आपका SL बन जाएगा ये।
और आपका टारगेट मैं आपको कहता हूँ 1 GEM 10 का रखिएगा, यानी कि जो भी इतना गैप है उसको इंटू 10 कर दीजिएगा, उतना आपका टारगेट आ ही जाएगा, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम की करेक्शन करके निकला है, जिस पैटर्न में से निकला है, अच्छा खासा आपको गेन देने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसको छोड़िएगा मत, बहुत ही बढ़िया पैटर्न में से निकला है। ठीक है सर, TVS मोटर्स देखिए ऑटो स्टॉक में धीरे धीरे जान आ रही है, देखिए प्रॉपर यहाँ पे डबल टॉप जैसा बना है, सेल नहीं करना है इसको, अगर ये ऊपर आता है इसको ब्रेकआउट करता है तो मस्त, इसको क्या करना है बाय करना है, सेल के लिए नहीं जाना है इसमें, ब्रेकआउट के बाद ही बाय करना है। 1175 के ऊपर क्लोज करेगा तो आप इसमें एंट्री कर पाएंगे, जो कैंडल क्लोज करेगी उसका जो लो होगा वो बन जाएगा आपका SL, 1 GEM 6 का आप टारगेट रखिएगा, SL को इंटू 6 कर दीजिएगा, जो प्राइस आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा इसमें, वो बन जाएगा आपका टारगेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है बहुत ही अच्छा सा स्मॉल कैप का लिए लाया हूँ, दीप इंडस्ट्रीज, बहुत ही बढ़िया सा कैंडल बना के निकला है, ये है थोड़ा रिस्की पहले बता दे रहा हूँ, तो जो रिस्क टेकर्स है वही इसको परचेस कर सकते हैं, CM पे कर सकते हैं, नीचे आएगा तो कर सकते हैं। SL आपको लेकिन ये रखना पड़ेगा इसमें, इसमें आपका बनेगा 145 का SL, SL बड़ा होगा इसमें, लेकिन टारगेट भी यहाँ पे 210 के 220 तक का आराम से आ सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना, इतना टारगेट के लिए यहाँ पे SL इतना रखना है। CM पे भी कर सकते हैं, नीचे थोड़ा आता है तो कर सकते हैं, स्टॉक बहुत ही अच्छा पैटर्न वाइज दिख रहा है, मैंने इसका फंडामेंटल चेक नहीं किया लेकिन पैटर्न इसकी बहुत सही है, हमको प्राइस को फॉलो करना है। तो आज का यही था, जो लोगों को आस्क SME में पूछना है, जो हम कल को या फिर शाम को रिलीज करेंगे, वो इस वीडियो के कमेंट्स में बिल्कुल लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, स्टॉक के हिसाब से हो, किसी भी हिसाब से हो, कुछ फंडामेंटल जानना हो, कुछ चीज़ें जाननी हो तो मुझे इसमें बता सकते हैं, हम इसको ज़रूर लेंगे। थैंक यू।